अपने स्किन की केयर करना हम सब के लिए बहुत जरूरी, इसलिए मैं अपने वीडियोस में स्किन केयर पर बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। हमारी स्किन कई टाइप की होती है और सबकी डिफरेंट नीड्स भी। दैट्स व्हाई ये बहुत नीडफुल है ये समझना कि हमारी स्किन किस टाइप की है, जिससे कि हम उसके रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरीके से पूरी कर सके। बट मुश्किल यहाँ पर आ जाती है कि ये जाने कैसे कि हमारी स्किन का टाइप कौन सा है। डोंट वरी, मैं अपने वीडियो में आपको यही आज बताने वाला हूँ। हाय, दिस इज शैल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फैशन सर फॉर फैशन ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच काइंड ऑफ स्किन वी हैव। अपने स्किन के बारे में सिंपल तरीका होता है जानने का सिंपल ऑब्जर्वेशन से। थोड़े से अवेयरनेस से हम काफी कुछ पता लगा सकते हैं, तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे स्किन प्राइमरीली 5 टाइप्स के होते हैं, जो हैं नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन। अपने स्किन के टाइप को जानने के लिए बस थोड़ा सा वक्त दीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन मेथड में करना कुछ खास नहीं है, बस आपको अपने फेस को जेंटल क्लींजर से वॉश कर लीजिए और 30 मिनट तक वेट कीजिए। आफ्टर 30 मिनट जो आप अपने फेस पर ऑब्जर्व करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन से इजीली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रेस ब्लॉटिंग शीट्स टू वेरियस एरियाज ऑफ योर फेस, देन होल्ड द शीट्स अप टू द लाइट टू सी द ऑयल मार्किंग्स। अगर आप बहुत ही मिनिमल ऑयल देखते हैं फ्रॉम एवरी एरिया ऑफ योर फेस, यू मस्ट लाइकली टू हैव अ नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन बहुत ही बैलेंस्ड होती है, ना ही ज़्यादा ऑयली ना ही ज़्यादा ड्राई फीलिंग होती है। पीपल विथ नॉर्मल स्किन टिपिकली हैव स्मॉल पोर्स, अ स्मूथ टेक्सचर एंड लेस प्रोन टू सेंसिटिविटी और ब्लेमिशेस। इफ योर स्किन अपीयर शाइनी थ्रू आउट एंड ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्ब्स लॉट्स ऑफ ऑयल, देन योर स्किन इज ऑयली। People with oily skin may tend to have less wrinkles, but they also be more prone to enlarged pores, acne blemishes, blackheads and whiteheads. If your skin feels tight and is flaky or scaly, you have dry skin. Blotting paper absorbs more or no oil. Dry skin is more prone to visible fine lines and appears dull and rough. If the shine is only in your T-zone and blotting paper shows oil in this area, then you have a combination skin. This skin type can vary during different seasons of the year due to various factors. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, then it may appear red and feel like it's burning, itchy or dry. Sensitive skin की sensitivity किसी भी factor से triggered हो सकती है, जैसे कि any ingredients or environmental factors. हर स्किन की अपनी ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ड्रॉबैक्स और अच्छाइयाँ भी। अगर हमें ये अच्छे से पता होगा तो जैसी भी हमारी स्किन होगी, हम उसे हेल्दी बनाए रख सकते हैं। अपने स्किन टाइप को हम बदल नहीं सकते, पर उसके अकॉर्डिंग उसकी सही केयर करके अपने स्किन को हेल्दी और ग्लोई बनाए रख सकते हैं। मेल हो या फीमेल, अपने स्किन टाइप को जानिए और उसकी केयर में कोई भी कसर मत छोड़ दीजिए। ऐसे मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझे लाइक, शेयर और कमेंट के रूप में दिखाइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बी हेल्दी, बी स्टाइलिश। बाय।